ये उदाहरण 23 है। उदाहरण संख्या 23, इसमें हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, 103 गुणा 101। इनका हमें गुणा करना है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आधार 100 है और विचलन 3 है, यहां पर आधार 100 है और विचलन 1 है। तो हम लिख लें संख्या और विचलन। आपकी मूल संख्या 103 है और आधार इनका 100 है। 100 से 103 का विचलन धन 3 के बराबर है। दूसरी संख्या 101 है और आधार से उसका विचलन धन 1 है। इसका गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम उत्तर को दो हिस्सों में लिखेंगे। दाहिना हिस्सा जो दोनों विचलनों का गुणनफल है, 3 गुणा 1 बराबर आपको 3 मिलेगा। और चूंकि इसके दहाई में कोई संख्या नहीं मिल रही है तो आपको लिखना पड़ेगा दहाई में 0 है, क्योंकि आपको पहले बताया कि जब हमारे पास आधार 100 होता है तो हम यहाँ पर विचलन के गुणनफल के द्वारा जो संख्या प्राप्त करते हैं वो दो स्थानों को लेती है, इकाई और दहाई को। तो चूंकि हमें यहाँ पर केवल एक संख्या मिल रही है 3, वो इकाई में रखी जाएगी, और दहाई के लिए कोई संख्या नहीं मिल रही है तो हम वहाँ पर दहाई के लिए 0 लिखेंगे। अब हम उत्तर के बाएं हाथ की तरफ के हिस्से की बात करें। आप जानते हैं किसी भी एक संख्या को हम लें और उसमें दूसरी संख्या के विचलन जोड़ दें तो 103 और 1 104 मिलेगा। इसे आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, दूसरी संख्या को लें और पहले के विचलन जोड़ें, तब भी आपको 101 और 3 मिलाने पर 104 मिलेगा। एक और तरीका है कि आप आधार में दोनों विचलनों को जोड़ दें तो भी आपको 104 मिलेगा। इन तीन तरहों से आप बाएं हिस्से को प्राप्त कर सकते हैं जो 104 के बराबर है। तो आपका गुणनफल हुआ 10403, 10403 ये आपका गुणनफल हुआ 103 और 101 का। आप एक बार खुद भी कोशिश करके देखिए और देखिए आपको ये परिणाम मिलता है कि नहीं।